जय माता दी, जय मां कामाख्या। ज्योतिष रहस्य, सूर्य शुक्र की युक्ति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वैज्ञानिक तौर पर विश्लेषण करेंगे ज्योतिष शास्त्र का। जिस जिस मनुष्य की कुंडली में सूर्य और शुक्र एक साथ बैठा हो या आमने सामने बैठा हो, उसके संबंध में चर्चा होगी। तो सूर्य और शुक्र की युति को अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि सूर्य जो है आग है। आग हर जगह कहीं पर भी जब भी सूर्य का किसी के साथ भी मिलन होगा तो मान के चले सूर्य को आग मान करके चले, और ऐसा तेज जिसके आगे सभी ग्रह अपना प्रभाव खो देते हैं। तो सूर्य के साथ में यदि शुक्र बैठ जाता है, जो बहुत कोमल है, एक फूल के माफी के एक फूल को भी शुक्र कह सकते हैं आप, और शादी का कारक भी है, प्यार रोमांस का कारक भी है, और शुक्र जो है पत्नी है। अब यदि आग के साथ में कोई कोमल चीज रख दी जाए, आग के सामने यदि एक फूल रख दिया जाए, आग के साथ में यदि हम प्यार रोमांस रख दें, तो वह सब जल जाएगा, मुरझा जाएगा। तो सूर्य शुक्र जिस कुंडली में एक साथ हो किसी भी घर में, तो शुक्र अस्त हो जाता है। और शुक्र अस्त न भी हो यदि, तब भी सूर्य के पास आने से शुक्र जो है अपना प्रभाव पूरा पूरा खो देता है। तो सूर्य जो है तेज धूप है, तो उसमें शुक्र जो है फूल है, तो तेज धूप में फूल मुरझा जाता है। और जैसा मैंने कहा कि शुक्र का मतलब है पत्नी, तो सूर्य शुक्र अगर अग्नि राशि में हो, अब अग्नि राशि का मतलब हो गया मेष अग्नि राशि कहलाती है, सिंह अग्नि राशि कहलाती है, धनु राशि अग्नि राशि कहलाती है। तो यदि अग्नि राशि में यह युति बनती हो सूर्य और शुक्र की, तो अग्नि का प्रभाव ज्यादा होगा, तब शुक्र को बहुत पीड़ा होती है, यानी उसकी स्त्री मर सकती है, स्त्री को भयंकर बीमारी हो सकती है, स्त्री सुख नहीं मिलता है। तो अब इसका क्या कहने का अर्थ यह है कि सूर्य को मजबूत करने की जरूरत नहीं पड़ती उस जगह शुक्र को मजबूत करना पड़ता है, स्ट्रांग करना पड़ता है, और यह जो है कुंडली देख करके ही किया जा सकता है। शुक्र का रत्न पहनो, इत्र लगाना, परफ्यूम का इस्तेमाल करना, यह सब शुक्र को बढ़ाना करने का काम करते हैं। गाय की सेवा करना अति उत्तम उपाय है, और गाय को सफेद ज्वार या चारा डालना उत्तम उपाय है। गाय की सेवा करें, कभी हानि नहीं देगी। स्त्रियों का सम्मान करें, स्त्री यानी पत्नी हर समय तैयार सज धज करके रहें, तो इससे भी शुक्र प्रबल होता है। परंतु आज के जमाने की स्त्रियां, यदि उनको सजने का बोल दो, संवरने का बोल दो, तो चार बात आपको सुना सकती है। तो ऐसी स्त्री को यह समझाना होगा कि शुक्र कमजोर है मेरा, उस शुक्र कमजोर की वजह से यदि स्त्री सज धज के रहती हो हमेशा, तो उससे शुक्र प्रबल होता है, जिससे सुख मिलता है। अगर स्त्री विधवा जैसी रहती हो, यानी माथे पर बिंदी नहीं लगाती हो, मांग नहीं भरती हो, मंगलसूत्र नहीं पहनती हो, चूड़ियां नहीं पहनती हो, बिछिया नहीं पहनती हो, तो ऐसे घर की स्त्री यानी जिस मनुष्य के पुरुष के सूर्य और शुक्र की युक्ति होती है, तो और वो स्त्री सज धज के नहीं रहती है, तो वो स्त्री हमेशा बीमार पड़ी रहेगी सूर्य की वजह से, ये मान करके चले। तो बीमारी होने का कारण केवल ये ही नहीं है कि आपने गलत खाना खा लिया, आपका मेहनत नहीं की, ये ग्रह नक्षत्रों का फल होता है, पति की वजह से भी पत्नी को बीमारी होती है। तो जब सूर्य और शुक्र साथ में हो, तब हमेशा कुछ बातों को हमेशा आपको ध्यान रखना है कि
कि जिसके सूर्य शुक्र एक साथ है उनको दिन के समय में शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिन में सूर्य नारायण भगवान रहते हैं और शुक्र का काम रात को चालू होता है। इसलिए शुक्र तारा देख करके ही विवाह करते हैं, इसलिए रात में शादी करनी चाहिए। रात शादी रात की करें, डोली तारों के रहते रहते अपने घर पहुंच जाना चाहिए। कई जगह हम देखते हैं कि डोली उठते उठते कान से विदाई होते होते सूर्य उदय हो जाता है, तो सूर्य उदय के बाद यदि डोली की विदाई होती है तो वह भी दोषपूर्ण होती है। इसलिए कई जगह हम देखते हैं कि जन्म पत्रिका अच्छे से मिलाई गई, गुण धर्म भी अच्छे से मिल रहे हैं, परंतु विवाह गलत समय पे होने की वजह से, गलत तरीके से होने की वजह से पति पत्नी में खटपट रहती है और कई बार ये सूर्य शुक्र की युक्ति की वजह से दिन में सूर्य उदय होने के बाद में यदि स्त्री की मतलब दुल्हन की विदाई होती है तो उसको जीवन में कष्ट की प्राप्ति अवश्य होती है। पति पत्नी में से एक या दोनों ही गुड़ या गुड़ से बनी वस्तुएं खाना बंद कर दें, क्योंकि गुड़ जो है वह सूर्य का प्रतीक माना गया है, इसलिए गुड़ को खाना बंद कर देना चाहिए और गुड़ से संबंधित वस्तुएं नहीं खाना चाहिए, इससे शुक्र कमजोर होगा। आपको सूर्य को कमजोर करना है, शुक्र को बढ़ाना पड़ेगा ताकि वंश वृद्धि आपके यहां हो सके। तो सूर्य शुक्र की युक्ति यदि होती है तो रात को ही विवाह करें, रात को ही विदाई हो जाना चाहिए और गुड़ नहीं खाना चाहिए। पति पत्नी को दिन के समय में आपसी संबंध भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सूर्य शुक्र की युक्ति जिनकी भी होती है उनको सूर्य का दोष लगने की संभावना ज्यादा हो जाती है और इसलिए दिन में सहवास नहीं करना चाहिए। जिन भी मनुष्यों की पत्रिका में सूर्य और शुक्र एक साथ बैठा हो तो दिन में सहवास करने से सूर्य दोष की उत्पत्ति होती है, यानी पितृ दोष की उत्पत्ति होगी, जिसकी वजह से बच्चे पैदा नहीं होंगे, और यदि बच्चे पैदा हुआ और लड़का हुआ तो वह शत्रु बच्चा पैदा होता है। दिन के समय में पति पत्नी एक दूसरे के पास कम बैठना चाहिए, अन्यथा दोनों में झगड़ा होने की संभावना ज्यादा हो सकती है। बहुत ही गहराई से विश्लेषण करने के बाद में आपको हम ये चीज बता रहे हैं और इसका कारण यही है कि शुक्र अपनी खूबियां सूर्य के पास आने से जल जाती है, तो वहां पे उस समय पे प्रेम मोहब्बत की बात दिन में नहीं हो सकती। अर्थात प्यार रोमांस पति पत्नी अपना जला हुआ असर देते हैं, अर्थात पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होगा। तो जीवन शादी का मूड हमेशा चेहरा ऐसा रहेगा जैसे बहुत दुखी है। सिर्फ घर में, घर के बाहर अच्छे संबंध रहते हैं तो बहुत से मनुष्य हमसे कहते हैं कि जब हम घर में जाते हैं दिन के समय पे तो पत्नी से झगड़ा हो जाता है और रात को बड़ी अच्छी रहती है। तो ये ऐसे व्यक्ति जो कहते हैं उनका मतलब यह है कि सूर्य शुक्र की युक्ति अवश्य उनके जन्म पत्रिका में अवश्य होगी। तो ये उपाय भी हमने आपको बता दिए हैं सूर्य शुक्र के। यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य शुक्र की युक्ति हो तो इन उपायों को अवश्य करें और अपनी पत्रिका, अपनी पत्नी की पत्रिका खोल करके अवश्य देख लें ताकि आपको जीवन में कष्ट की प्राप्ति नहीं हो। मेरा धर्म है कि मैं आपको ऐसा ज्ञान दूं, ऐसी चीजें बताऊं जिससे आप जीवन में सुखी रह सकें, क्योंकि बहुत से मनुष्यों की जन्म पत्रिका में सूर्य शुक्र की युक्ति होती है जिसकी वजह से वंश वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि शुक्राणुओं का अभाव होता है। क्योंकि पुरुष जो है उसके शुक्राणु काम करते हैं और स्त्री में मंगल यानी कि रज काम करता है, मंगल यानी कि खून, और स्त्री का जो रज होता है और पुरुष का शुक्र मिलने से ही बच्चे पैदा होते हैं। तो जब शुक्र ही नहीं मिलेगा तो बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं। इसलिए सूर्य शुक्र वाली युक्ति जिनके यहां पे होती है उनके यहां पे लड़के भी उत्पन्न कम होते हैं, लड़कियां ही लड़कियां ज्यादा उत्पन्न होती है और कई बार तो बच्चे पैदा ही नहीं होते हैं।
तो एक बार पत्रिका अवश्य चेक करा ले, सूर्य शुक्र की युक्ति जिनकी हो, ताकि आपको सूर्य को बल देना है या शुक्र को बल देना है या अवश्य उसकी डिग्री देख करके पता लगाया जा सकता है। जय माता दी, जय माँ का मक्खिया, ओम राम रीम रोम से सूर्याय नमः। यदि सूर्य को बल देना हो तो, और यदि शुक्र को बल देना हो तो माँ भगवती आदि शक्ति की पूजा करना चाहिए, खीर से हवन करना चाहिए, खीर ज्यादा खाना चाहिए, और जो मेहमान अपने यहाँ पे आए उनको भी खीर खिलाना चाहिए। जय माता दी, जय माँ का मक्खिया।